Hey guys, welcome back to my channel और this is me खुशी। तो आज जो है मैं यहाँ पे एक बहुत ज्यादा यूनिक और एक्साइटिंग प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो कि है न्यूड का हेयर रिमूवर स्प्रे। यस गाइज, ये मार्केट में एक लौता स्प्रे हेयर रिमूवर है जो कि मैन और वुमेन दोनों के लिए है और बहुत ज्यादा इजी टू यूज है, जिसकी पूरी जानकारी जो है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो आप प्लीज मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जो है बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको ढेर सारे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप किसी और चीज पे रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बता सकते हो। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आपने मार्केट में बहुत सारी हेयर रिमूवर क्रीम्स के बारे में सुना होगा, और आजकल का टाइम ऐसा है कि सभी लोग जो है ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं और किसी को भी हेयरी स्किन पसंद नहीं आती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जिम भी जाने वाले लोग जो है वो हेयर रिमूव करना चाहते हैं, बट वैक्सिंग और रेजर जैसी चीज यूज करने से क्या होगा कि आपकी स्किन में रैशेज आएंगे, जलन होगी, बम्स निकल जाएंगे, बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम होगी और बहुत ज्यादा और भी कई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बट यहाँ पे ये जो है बहुत इजी तरीके से आपके हेयर को जो है 5 से 10 मिनट के अंदर रिमूव कर देगा, बिना किसी जलन के, बिना किसी रैशेज के और बिना किसी कट्स के। और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस। इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और गाइस, ये बहुत ज्यादा रिजनेबल है। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जो है मुझे इस तरह की एक बॉटल रिसीव हुई है, जो कि मुझे रिसीव हुई है ओनली 290 में। और ये जो बॉटल है वो 100 ml की है। ये जो है मार्केटेड बाय वेट एंड ड्राई पर्सनल केयर एंड एवरटीन है, और आप सभी जानते हो कि एवरटीन बहुत अच्छी ब्रांड है जो बहुत सारे वुमन हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। और इनके मैं ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स के रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि एप्लीकेटर, टैम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप। सारे ही वीडियो जो है मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप वहां से इजिली चेकआउट कर सकते हो। साथ ही मुझे इनके प्रोडक्ट इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि ये जो है सेफ होते हैं, क्वालिटी फ्री होते हैं, 100% वेगन होते हैं और पैराबिन फ्री होते हैं, नेचुरल होते हैं। और ये जो कंपनी है वो ISO सर्टिफाइड भी है, तो बिल्कुल ट्रस्टेड है। आप इसके लिए आसानी से जा सकते हो। देखिए, इसमें जो है मुझे इस तरह की एक बॉटल रिसीव हुई है, और साथ ही इन्होंने यहाँ पे दो टिश्यू दे दिए हैं। आप सोचोगे कि ये चॉकलेट जैसा क्या दिख रहा है, बट ये टिश्यू पेपर है। ये जो है बहुत ईजी है यूज करना। आपको एक मग में पानी लेना है और इन गोली को बस उस मग में डालना है। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ये अपने आप खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है इस को यूज करने का तरीका बताऊं, तो आप इसको अपने हाथों में और पैरों में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको इसे जिस भी जगह लगाना है, आपको ना स्पैचुला का टेंशन ना ही क्रीम निकालने का टेंशन। बस आपको जो पार्ट पे लगाना है वो पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, और उसके बाद इससे जो है इजीली बस स्प्रे मारिए। जहां जहां आपको चाहिए कि आपके हेयर जो है रिमूव हो जाए वहां पे आपको इससे स्प्रे करनी है, और 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसको सूखने दे दीजिए। 10 मिनट बाद आप जो है अपने हेयर को इस टिश्यू की मदद से क्लीन कर दीजिए। ये टिश्यू जो है ना गाइस बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और वन टाइम यूज के लिए है, बट ये आपका काफी अच्छा लंबे समय तक चल जाएगा, या 4 से 5 बार इजीली आपका चल जाएगा अगर आप अपने दोनों हाथों में और दोनों पैरों में इस्तेमाल कर रहे हो। तो इवन आप अगर लड़के हो, चेस्ट के ऊपर से भी हेयर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें हैं जो कि क्लियर कर दूं और आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसको यूज करने के पहले आप एक बार पैच टेस्ट जरूर ले लेना। दूसरी बात कि इसको आपको अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे बिल्कुल नहीं लगाना है, ना ही अपने फेस पे अप्लाई करना है और ना ही अपने अंडर आर्म्स पे अप्लाई करना है। ये सिंपली आपके बॉडी के लिए है, हाथों के लिए, पैरों के लिए, चेस्ट के लिए। इसको यूज करने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का जलन या बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए, इसको यूज मत करिए। अगर आपने किसी पार्ट को शेविंग किया हुआ है
तो उसके बाद भी आपको इस चीज को नहीं अप्लाई करना है। इसको जो है आप 10 मिनट से ज्यादा देर तक मत रखना बॉडी के किसी भी एरिया पे। अगर आपके जो है इन्फेक्शन वाली स्किन है या कहीं पे दाग खाद खुजली जलन जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उस एरिया पे भी आपको इस चीज को नहीं लगाना है। दूसरा कोई स्किन रिलेटेड इश्यू है तो भी आप इस चीज को अवॉइड करिए। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल में जानकारी दी है। मैंने इसको पर्सनली वन टाइम यूज कर लिया है जो कि इसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लगा और बहुत इजीली हेयर रिमूव कर देता है। और इसको रिमूव करने के बाद आप ना ही सोप यूज करना ना ही कुछ, नॉर्मल पानी से अपना जो है हाथ और पैर को वॉश कर सकते हो। अगर आपको इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अपनी स्किन को जो है अच्छी रखना है, मॉइस्चराइज्ड रखना है, तो आप डेफिनेटली इनके इस प्रोडक्ट के लिए जा सकते हो, जिसका मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है। काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है और मैं बहुत जल्दी इसका रिव्यू भी लाने वाली हूँ। और इनका एक और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है न्यूड इनहिबिटर, इसकी भी जो है मैं रिव्यूज दे चुकी हूँ। तो अगर आप ये फर्स्ट वाला ट्राई करोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके हेयर जो है परमानेंटली आना ही बंद हो जाएंगे और इसकी वजह से जो है आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ और सपल बनी रहेगी। तो आप डेफिनेटली इन दोनों को ट्राई करना, इसके साथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गाइस यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा आज का वीडियो और यहाँ पे मैंने दे दी है आपको इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी। तो इसी तरह के नए नए और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।